मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल पूछ सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकलन बहुत मुश्किल है, वह तो अलमोल है। बालक, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिताजी, हाँ बेटा। बालक कुछ समझा नहीं, फिर भी सवाल किया, तो उसने इस दुनिया में कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों है? किसी को कम रिस्पेक्ट तो किसी को ज़्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, 200 रुपये। पिताजी, अगर मैं इसकी बहुत सी छोटी छोटी कीले बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोच कर बोला, तब तो यह और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी की बहुत सारी स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी ने उसे समझाते हुए बोला, ठीक इसी प्रकार मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है, वह फिर वो क्या है? बाकी इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक, आपने पिता की बात समझ चुका था। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं तो हमारा प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं, लेकिन हम हमेशा अधर शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत स्पेशल और इम्पॉर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। हम मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।